हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ अंडा करी की बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये स्वाद में इतनी बढ़िया होगी कि आप अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अंडा करी बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गई है तो फ्लेम को मीडियम पर कर लेंगे और डालेंगे 2 मीडियम साइज के रफली कटे हुए प्याज और इसे ट्रांसल्यूसेंट या हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। फिर डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां और साथ में डालेंगे 1/2 इंच कटा हुआ अदरक और इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए हमें अच्छे से भून लेना है। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है और लहसुन और अदरक की भी अच्छी सी भुनी हुई खुशबू आ रही है। तो अब फ्लेम को लो पर कर लेंगे और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया का पाउडर और साथ में डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इन्हें कुछ सेकेंड्स के लिए भुन लेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम पर कर लेंगे और उसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर। टमाटर को हमें थोड़ा भून लेने के बाद उसमें डालना है 2 टेबलस्पून पानी और साथ में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 3 से 4 मिनट के लिए टमाटर को पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और टमाटर और प्याज का ये जो मसाला है वो भी अच्छे से पक गया है। तो जब ये ठंडा हो जाए पूरी तरह से तो इसे ग्राइंडर में 1/4 कप पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। अब चलिए उबले हुए अंडे को हल्का सा तेल में शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन गर्म कर लेंगे और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब रिफाइंड तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो फ्लेम को मीडियम टू हाई पे कर लेंगे और उसमें डालेंगे 4 उबले हुए अंडे। अब 1/4 टीस्पून के करीब डालेंगे नमक और साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इन्हें अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। अंडे को सिर्फ मसाले के साथ हमें अच्छे से कोट कर लेना है सभी तरफ से। अगर अंडे को ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ये बाहर से थोड़ा सख्त हो जाएगा और खाने में ये अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ सजेस्ट यही करूँगी आपको कि आप इन्हें हल्का सा ही शैलो फ्राई करें। ये हो गया है तो इसे साइड रख लेते हैं। अब जिस कढ़ाई में हमने मसाले रेडी किए थे उसी कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड तेल। तेल गर्म हो गया है तो फ्लेम को लो टू मीडियम पे कर ले और उसमें डालें 1 बीच से स्लिट की हुई हरी मिर्च। अब जो प्याज और टमाटर का पेस्ट हमने रेडी किया था वो इसमें डाल लेंगे। मसाला पेस्ट को 1 से 2 मिनट हम भून लेंगे और फिर इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ड्राई कसूरी मेथी और फिर से इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है तो अब इसमें डालेंगे 1 कप के करीब पानी और पानी को अच्छे से मसाले के साथ मिला लेंगे। फिर डालेंगे शैलो फ्राई किए हुए अंडे और साथ में डालेंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते जो मैंने यहाँ लिया है 1 टेबलस्पून के करीब और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। फिर ढक्कन लगाकर इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर करीब 8 से 10 मिनट के लिए पका लेना है। 8 से 10 मिनट हो गए हैं तो ढक्कन हटाकर इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी करी कितनी बढ़िया लग रही है। तो जितनी बढ़िया ये देखने में लग रही है आपको उतनी बढ़िया आपको खाने में भी लगेगी। तो ये एग करी बनकर रेडी है गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। इसे आप इंजॉय करें लंच या डिनर में चावल या रोटी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे इस तरीके से इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें और कमेंट कर अपना फीडबैक शेयर करें। रेसिपी टेस्टी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, टेक केयर।